ओम श्री परमात्मने नमः। मोक्ष को परम सुख क्यों कहा जाता है, परम पुरुषार्थ क्यों कहा जाता है? मोक्ष सुख क्योंकि मोक्ष वह निरपेक्ष तत्व है जो एक बार उपलब्ध हो जाने के पश्चात विसर्जित नहीं होता, जो अनंत अमर अजर अविनाशी तत्व है और वह तुम्हारा अपना ही तत्व है। और उसका जो आनंद स्वरूप है कभी भी क्षीण नहीं होता, कभी भी विसर्जित नहीं होता, वह अनायास ही अप्रयास ही तुम्हारे स्वरूप का धर्म है, तुम्हारी आत्मा की प्रकृति है, तुम्हारा अपना स्वभाव है। और उस स्वभाव को उपलब्ध हो जाते हो तो परम वैभव उपलब्ध हो जाता है। परम तृप्ति को उपलब्ध तो सिर्फ मोक्ष से ही हुआ जा सकता है, इसीलिए उसे परमानंद, परम सुख और परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस तत्व का निरूपण भोले बाबा वेदांत छंदावली में कैसे करते हैं, सुनिए। मोक्ष सुख सबसे अधिक है, मोक्ष सुख दुख का न उसमें लेश है। आनंद का भंडार पूर्ण शांति मात्र प्रदेश है। ऐसा कहे हैं बहुत से एकांत सेवन कर रहे। संसार से मुख मोड़ कर आलस्य में है मर रहे। आता नहीं है समझ में कुछ बुद्धि चक्कर खाय है। जो सुख यहाँ है सो वहाँ बिनु भिन्नता न जनाय है। त्रिपुटी रहित यदि हो य सुख तो भान हो सकता नहीं। भोक्ता बिना हो भोग ऐसा भोग नहीं देखा कहीं। भाई नहीं तू जानता क्या मोक्ष पद का अर्थ है। है अर्थ छूटना मोक्ष का, छूटा हुआ ही मुक्त है। चाहे भला क्यों छूटना बंधन जिसे नहीं भासता। बंधन नहीं सूझे तुझे क्या मोक्ष से फिर वासता। संसार में दुख के सिवा बंधन नहीं है दूसरा। अज्ञान से संसार है, संसार में दुख है भरा। अज्ञान ही दुख रूप है, अज्ञान ही भवकूप है। अज्ञान छूटना मोक्ष है, सुख मोक्ष अनुभव रूप है। जग हेतु है भव दुख का, अज्ञान का जग कार्य है। अज्ञान सह जग नाश सम्यक मोक्ष सो कहलाय है। जह भिन्न हो सुख मान सो ब्रह्मा पिता महलोक है। सो मोक्ष नहीं है वास्तविक, पूरा नहीं निशोक है। सुख रूप आत्मा है सभी, दुख न उसमें लेश है। अज्ञान से छुपा गया भासे इसी से क्लेश है। अत्यंत दुख का नाश हो दुख हो न तीनों काल में। सो मोक्ष ही सुख रूप है सम एक रस हर हाल में। सुख चाहते हैं सर्व दुखा भाव को सुख मानते। सुख जानते हैं जगत का
संपूर्ण सुख नहीं जानते। दुख से मिला सुख भासता, इससे जगत दुख रूप है मोक्ष सुख का पूर्ण सागर, नित्य चित सुख रूप है। मोक्ष सुख का पूर्ण सागर है, अक्षय अनंत अथाह भंडार है, इसीलिए उसे परमानंद कहते हैं। नित्य है, क्षणभंगुर नहीं है, वह नित्य है। इंद्रिय भोग तो अनित्य हैं, क्षण भर भोगा, जब विषय वस्तु का संपर्क हुआ तो क्षणिक सुख मिला और पुनः तिरोहित हो गया क्षण भर के पश्चात। परंतु जो मोक्ष का सुख है वह नित्य सुख है और आनंद का अनंत महासागर है। निर्विषय सुख निंद का आनंद में प्रतिबिंब सो, है मोक्ष सुख अक्षय स्वयं ही सिद्ध चिद घन बिंब सो। मोक्ष सुख अक्षय स्वयं ही, अक्षय भंडार है सुख का, और सिर्फ वह अक्षय भंडार तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे आत्म स्वरूप बोध होने के पश्चात ही उपलब्ध हो पाता है। अज्ञानया प्रतिबिंब से नहीं निर्विकल्प मिला हुआ, सुख मात्र केवल मोक्ष भोला है नहीं कल्पा हुआ, सुख मात्र केवल मोक्ष भोला है नहीं कल्पा हुआ। जो जागतिक संसारिक इंद्रिय सुख हैं, जो भोग हैं, वे सब के सब काल्पनिक हैं, स्वप्नवत हैं, आभास मात्र हैं। वास्तविक सुख, परम सुख तो तुम्हारी आत्मा का है, तुम्हारी आत्मा का धर्म है, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है, तुम्हारा निज का स्वरूप वास्तविक सुख प्रदान करता है। बाकी जो इंद्रिय भोग हैं, विषयों के भोग हैं, सबके सब क्षणभंगुर प्रतीति आभास मात्र हैं, स्वप्नवत है, स्वप्न टूटते ही तिरोहित हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। इसीलिए मोक्ष को परमानंद, परम सुख कहा गया, परम पुरुषार्थ कहा गया। और ये गैरिक वस्त्र धारण करने की जो सनातन धर्म में जो मानव इतिहास की अद्भुत परंपरा है, उसी मोक्ष को उपलब्ध होने की यह महाविद्या है, महाविज्ञान है। ये सबसे बड़ा खेद का विषय है कि जब कोई संकल्प लेता है निवृत्ति मार्ग का, संन्यास मार्ग पर चलने का, तो उसके सगे संबंधी परिवार वाले, मित्र बंधु अधिकांश लोग दुख मनाते हैं, शोक जताते हैं, क्योंकि अभी भी अज्ञान के कारण ऐसी मान्यता है कि जो सन्यासी बन रहा है, जो गैरिक वस्त्र धारण कर रहा है, किसी दुख के मार्ग का अनुगमन कर रहा है। ये महाविद्या है, महाअज्ञान है। मैंने सन्यास लेने के पश्चात पूर्ण उद्घोष किया था कि मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया है, मैंने महाभोग का संकल्प किया है। यह संसार का जो क्षुद्र भोग है, इंद्रिय भोग है, इसकी निस्सारता को जान ली, इसमें तो सुख है ही नहीं, तो मैं सन्यास कुछ त्याग करने के लिए नहीं, त्याग सिर्फ अज्ञान का किया, भ्रम का किया, मोह का किया, मैं तो सुख से महासुख की ओर और भोग से महाभोग की ओर मेरी ये यात्रा है। तो सन्यास जो है, ऐसा भ्रम न पालें कि सन्यासी दुख मार्गी हैं, दुख की खोज में हैं। ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर देवदनुज तक भी कोई दुख नहीं चाहता, सबके सब सुख की ही खोज में हैं। परंतु वास्तविक सुख है कहाँ, सुख का अक्षय भंडार है कहाँ, इसकी जो खोज करता है, इसकी जिसे भूख और प्यास लग जाती है, उसे मुमुक्षु कहते हैं, उसे सन्यासी कहते हैं, उसे यति कहते हैं, उसे योगी कहते हैं। और उस परम पुरुषार्थ को ही वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में परम वैभव कहा गया, परम ऐश्वर्य, परम सिद्धि और परम सफलता कहा गया, क्योंकि उसे उपलब्ध हुए बिना
परम तृप्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। युगों युगों तक अपनी वासनाओं की प्रेत को वासनाओं के प्रेत से प्रेरित होकर दुखों का ही भोग करने के लिए विवश होते रहोगे और सुख का स्पर्श तक न हो पाएगा। इसलिए मोक्ष एकमात्र वह तत्व है, वह स्थिति है, वह उपलब्धि है, जहां पर आप उसको उपलब्ध होने के बाद कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।